मी मेजर हॉट वाला टापुनकर रखती है सबकी वाट लगाकर। ऐसी बात, ऐसी बात क्या है, तकलीफों में जब हमने पिरोई सांसों की मारा, एक ही नाम आया, गौतारा, गौतारा, गौतारा। ए, नमूने कौन है तू? हम अच्छे हैं, अच्छे हैं हम। अरे ये कैसा आदमी है, अपने ही मुंह से कह रहा है हम अच्छे हैं। अरे नाम बोलो, नाम। मिजाज से हमारा नाम, और हमारे आपके सामने एक अदना सी समस्या लेके आए। अरे हमने देश का सेवा के लिए वर्दी पहनी है, नवाबों की खिदमत करने के लिए नहीं। देखिए घोटाला जी, आप जो आप थोड़ा सा वो पर्सनल हो रही है, ऐसी बात नहीं है, देश के वास्ते हम भी आए, और हमारे पास पूरा हक है कि हम आपसे कहें कि थोड़ी सी हमारी मदद कर दें जी। ठीक है, फटाफट परेशानी बोलो। देखिए जी ऐसा है, हमारी बेगम जो है उनकी आवाज हमें पसंद है, जरा भी नहीं पसंद है। होता ऐसा है कि रात को जब अंधेरे में हम उनकी आवाज सुन लेते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हमारे शौहर ने हमें आवाज, और हमारी मोहतरमा को हमारी हमारे जो शक्ल है वो पसंद नहीं है। वो हमारे लिए एक बंदर का मुखौटा लेके आई है, कहते हैं कि हमारे सामने आइएगा तो ये बंदर का मुखौटा लगा लीजिए। आप बताइए ये कैसा इंसाफ है, इसका कोई सलूशन होना चाहिए। ए, तुम लोगों का जो जोड़ी है मेरे को एकदम परफेक्ट लगता है, लेकिन फिर भी अगर तुमको इसमें प्रॉब्लम है तो इसका एक अच्छा सॉल्यूशन मेरे पास है। जी बताइए। देखो एक काम करो, तुम्हारी बेगम का जो बुर्का है वो तुम पहन लो, जिससे तुम्हारी शक्ल तुम्हारी बेगम को दिखाई नहीं देगी। और ये जो तुम मुंह में ठूस के पान चबाते हो ना, वो अपना पान तुम अपनी बीवी को खिला दो, जिससे सारा दिन वो गाय की तरह जुगाली करती रहेगी और मुंह से उसके आवाज नहीं निकलेगी। तुम्हारा दोनों प्रॉब्लम सॉल्व। तुम्हारे बुर्का पहनने से तुम्हारी बेगम को तुम्हारी शक्ल नहीं दिखाई देगी, लेकिन फिर भी वो तुमको पसंद करेगी। इसका चांस 2% है। और पान खाने की वजह से तुम्हारा बीवी की आवाज सुधरने की जगह और बिगड़ जाएगी, इसका चांस मेरे को 98% लगता है। लेकिन दोनों ही सूरतों में मुझे लगता है फायदा तुम्हारा ही है, मिस्टर मिर्जा गंदे अच्छे बुरे व्हाटएवर। मोटरमा होटारा, ये जो आपने सलाह के नाम पे हमको दुलट्टी दी है ना, चुप रहिए। कमाल करते हैं आप, ये जो आपने हमारे बेगम को और हमारा ये तलाक दिलाने का जो प्रोग्राम बनाया है बहुत ही बकवास है, नहायत ही बेवकूफाना है। और आपको एक बात बता दें, न जाने हम सोचते हैं आपके शौहर का क्या होगा। उसे तो सर्दी में भी गर्मी का एहसास होगा, क्योंकि मैडम जी हॉट जो है। ये रितो, तू भी आती है।